ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना थोड़ा न्यूमेरिकल्स। यूनिट नंबर 6 में बहुत कुछ हो गया कवर, सब कुछ ही हो गया। थोड़ा बहुत आपका माउथपीस है, माउथपीस से कुछ भी नहीं है, दो तीन लाइन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेलोसिटी जो भी है, ठीक है, बता दूंगा मैं आपको। वियर और नॉच आपने पढ़ी लिया है। मेजर जो पोर्शन है ना इसमें, इस यूनिट में अगर मैं आपको मेजर पोर्शन बोलूँ तो वो है आपका वियर, नॉच और ये आपका ऑरिफिस। ठीक है, ध्यान से देखना। तो इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, बट ऐसा है कि हो सकता है जो माउथ पीसेस है उससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए, तो हम उसको करेंगे बाद में। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मेनली आप करो कि यूनिट अब कंप्लीट हो चुकी है, बस आपके न्यूमेरिकल्स बचे हैं। ठीक है, अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन देके रखा है इसने और बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन देके रखा है इसने। इसने ये बोल के रखा हुआ है कि एक नोजल है, नोजल आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे पेट्रोल पंप आपने देखा होगा, तो पेट्रोल पंप पे जो होता है वो आपका पेट्रोल भरता है, तो वो भी आपका नोजल होता है जिससे वो आपका जेट निकलता है और वो जेट की फॉर्म में पेट्रोल आपका गाड़ी के टैंक में जाता है। ठीक है, तो ये नोजल है, इस नोजल से एक फ्लूइड निकल रहा है और वो फ्लूइड जेट की फॉर्म में है। ठीक है भाई, ये इसने लिख दिया नोजल, और नोजल में क्या आपका जेट, और जेट किसमें है आपका, जो फ्लूइड आपका जेट की फॉर्म में। ठीक है, इसने बोला कि इस नोजल का जो डायमीटर है वो 25 mm है। इसने बोला कि इस नोजल का डायमीटर 25 mm है और इस नोजल से जो डिस्चार्ज हो रहा है, इस नोजल से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.76 m³/min, 0.76 m³/min। ठीक है भाई, नोजल है, कोई भी नोजल है। ठीक है, नोजल आपने देखा होगा, मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपने देखा होगा जो आपकी कार वॉश होती है वो क्या करता है, पाइप में आपका कार वॉश करता है, तो उसमें क्या होता है कि उसके आगे वो जेट निकलता है क्योंकि उसका एक नोजल लगा हुआ होता है। ठीक है, और जेट पे ग्राउंड देखो वो बिल्कुल पतला सा स्ट्रेट निकलता है वो। ठीक है, तो इस स्टेप पे आप नोजल समझ लो। ठीक है, अब क्या है भाई, इसने नोजल की डायमीटर 25 mm और नोजल से डिस्चार्ज कितना दे दिया, 0.76 m³/min। ठीक है, इसने ये बोला है कि नोजल जहां से कनेक्टेड है, नोजल जहां से कनेक्टेड है उसका जो भी आपका हेड है वो कितना है आपका 60 m। भाई नोजल टैंक से कनेक्टेड है, किससे भी कनेक्टेड है, जो भी आपका रिजर्वायर है, टैंक है, उसका हेड कितना है आपका 60 m। इसने बोल दिया कि नोजल का जो हेड है भैया वो आपका 60 m है। ठीक है, अब इसने बोला कि जो आपका जेट निकल रहा है, इस जेट की डायमीटर कितनी है, 22.5 mm। कितनी डायमीटर है इसकी, 22.5 mm। भाई नोजल की डायमीटर कितनी थी, 25 mm, और आपके जेट की डायमीटर कितनी है आपकी, 22.5 mm। ठीक है, अब इसने आपसे क्या बोला, तीनों कोफिशिएंट्स फाइंड करो, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ये तीनों कॉन्ट्रैक्शन आपको फाइंड करने। अब देखना इस क्वेश्चन को हम रिलेट किससे करेंगे। देखो हमने पूरी यूनिट में अगर हम बात करें कोफिशिएंट्स की, चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो, वेलोसिटी हो, डिस्चार्ज हो, हम मेनली ऑरिफिस पे वर्क करते हैं। ठीक है, किस पे वर्क करते हैं, ऑरिफिस पे, या वियर पर, या नॉच पर। ठीक है, अब क्या होता है, ये एकदम से जेट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग इसको स्ट्राइक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मेनली हमने ये जो कोफिशिएंट डीपली पढ़े होते हैं, डेप्थ से पढ़े हुए होते हैं, ये आपकी ऑरिफिस वाली यूनिट पर हमने पढ़े हुए होते हैं, और फिर हमारा दिमाग ओनली ऑरिफिस पर वर्क करता है। हमें पता है ऑरिफिस मतलब ये तीनों चीजें पूछी हुई होंगी। उसने कुछ नहीं करा यार, जो ऑरिफिस का फंक्शन है सेम उसने आपको ये नोजल में दे दिया और आपसे वो तीनों कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो आप समझो मेरी बात, उसने बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन को घुमा दिया, ऑरिफिस को रिप्लेस कर दिया किससे, नोजल से और जेट से, है कुछ भी नहीं। अगर मैं, चलो आप ये काम करता हूं, मैं एक ऑरिफिस बना ही देता हूं, ये आपका एक ऑरिफिस मैंने बना दिया इस तरीके से। ठीक है, ताकि आप, अब देखो इस ऑरिफिस को मैं कंपेयर करूंगा इस नोजल से। ठीक है, कैसे, ये आपका ऑरिफिस, ये आपका फ्लूइड। ठीक है भाई, जो भी आपका फ्लूइड है ध्यान से देखते रहना इसने। अब आपको ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक का हेड कितना देके रखा हुआ है, ये जो एच है आपका, देखो इसको मैं रिलेट कर रहा हूं 60 m। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्यों रखा, क्योंकि मैं 10 बार बोल रहा हूं, जैसे ही ये आ जाएगा आपके पास तीनों कॉन्ट्रैक्ट, ये आपके कोफिशिएंट आ जाएंगे, आपका दिमाग बस एक डायरेक्शन में करता है। माना वियर और नॉच पे भी चल जाओगे, सबसे पहले आपके दिमाग करेगा वो आएगा ऑरिफिस। अब आप बोलोगे, अब जेट तो एक अलग यूनिट है हमारा, जो हम फ्लूइड मशीनरी में या हाइड्रोलिक मशीन से पढ़ेंगे। ठीक है, इस जेट को तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी, तो आपके दिमाग एकदम से स्ट्राइक नहीं कर पाता। दोस्तों यार ये तो उस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये उस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, ये इसी टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस बार ध्यान से देखना, इस नोजल को मैं रिलेट करूंगा ऑरिफिस से और सब कुछ फाइंड होता जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, इसने देख रखा है ये रहा नोजल, ये मैंने टैंक बना लिया और जेट निकल रहा है, तो ये लो आपका जेट निकाल देते हैं, यहां से हम अपना लिक्विड को फ्लो कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये लो आपने कुछ इस तरीके से लिक्विड को फ्लो कर दिया, ये लो। ठीक है, इस तरीके से ये आपका लिक्विड आ गया यहां से। ठीक है, अब
ठीक है भाई, आपस में ध्यान रखो कि नोजल को मैं ऑरिफिस से कंपेयर, नोजल को मैं ऑरिफिस से कंपेयर कर रहा हूं और ये जो लिक्विड का फ्लो होता है उसको मैं जेट से कंपेयर करूंगा। तो सबसे पहले इसने आपसे पूछा कि तीनों कोफिशिएंट फाइंड करो। सबसे पहले मैं आपको चीज चाहूंगा कि ध्यान देना कि यहां पर जो डिस्चार्ज है वो कितना 0.76 मीटर क्यूब पर मिनट, और हम हमेशा डिस्चार्ज किस में लेते हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड, किस में लेते हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो कभी भी डिस्चार्ज आपको इस तरीके से मिल जाए तो इसको मिनट को सेकंड से कन्वर्ट कर लेना, हम बाद में कर लेंगे जब डिस्चार्ज का रूल आएगा, अभी तो मुझे लगता है नहीं आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला जो हम कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं, हम कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। तो फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन क्या बोलता था, वो आपसे बोलता था एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा या एरिया ऑफ फ्लूइड एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। आप लिखो एरिया ऑफ फ्लूइड एट वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस, अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं, यहां पर आप फ्लूइड लिख लो जेट लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, है यहां पर भी हम इसको जेट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लूइड एट वेना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस, ये हमारा कोफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन था जो कि हमने ऑरिफिस के लिए पढ़ा था, इतना मुझे पता है। अगर मैं आपसे बात बोलूं कि एरिया ऑफ फ्लूइड एट वेना कॉन्ट्रैक्टा या एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है, जो भी लिक्विड फ्लो करता है, ये देखो जेट की फॉर्म में कर रहा है, जो भी लिक्विड आपका ऑरिफिस से फ्लो करता है वो जेट की फॉर्म में करता है, और जिस जगह पर आपका एरिया, जिस जगह पर आपका एरिया सबसे मिनिमम होता है, हम वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या बोलते हैं, जो भी जेट होता है हम किस एरिया को वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं, जिस एरिया पर स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है, जिस लाइन, जिस सेक्शन पर या जिस पॉइंट पर। देखो जेट तो यहां से लेके यहां तक बना हुआ दिख रहा है, हो सकता है और आगे तक हो, बट इसका एक सेक्शन ऐसा होता है जहां पर एरिया सबसे मिनिमम होता है। क्यों मिनिमम होता है, क्योंकि वहां पर जितनी भी स्ट्रीम लाइंस होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं यहां की, तो यहां से देखो ध्यान से, ये देखो मैं आपको स्ट्रीम लाइन बना के दिखाता हूं। अगर मैं बात करूं ये देखो स्ट्रीम लाइन, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है, बोलोगे नहीं सर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बट अगर मैं इस जगह की बात करूं तो देखो ये, देखो ये आपका फ्लो, तो यहाँ पर स्ट्रीम लाइन पैरेलल होगी एक दूसरे के, अगर हाँ स्ट्रीम लाइन हो गई। और अगर आप भूल रहे हो कि स्ट्रीम लाइन क्या होता है, तो कुछ भी नहीं होता, फ्लूइड लेयर किस तरीके से, ये आपको कुछ भी नहीं है, ये किस तरीके से आपकी फ्लूइड लेयर का मूवमेंट, फ्लूइड लेयर का जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट आपने दिखा है, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड लेयर्स थी, हमने देखो सबका फ्लूइड लेयर का मूवमेंट देखा, और देखा तो इस जगह ये पाया कि इस जगह तो फ्लूइड लेयर हर जगह एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही है, और इसी को हमने बोल दिया एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। और स्ट्रीम लाइन के कारण इस जगह जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, आपका यूनिफॉर्म होता है। और कौन सा प्रेशर होता है इसमें, आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर। वैसे एटमोस्फेरिक प्रेशर तो यहां से लेके आता है, हर जगह पर एटमोस्फेरिक प्रेशर ही लगा हुआ है, ठीक है, बट मिनिमम एरिया जो है या स्ट्रीम लाइन जो है वो हमारा एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा में पैरेलल होती है। तो आप ये ध्यान भी रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसका आपका बन जाता है। तो ठीक है, आप बस ऑरिफिस को ध्यान रखो और ऑरिफिस को मैं नोजल से कंपेयर करूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। अब देखो ये रहा आपका जेट, क्वेश्चन से बनाया हुआ है, तो जेट का एरिया हम, इसने आपको देखो जेट डायमीटर देखे रखी हुई है, इसने पर्टिकुलर वेना कॉन्ट्रैक्टा नहीं देखे रखा है, तो कोई इशू नहीं है, हम इसको ही यूज करेंगे फॉर वेना कॉन्ट्रैक्टा। भाई स्पीड से डिस्चार्ज हो रहा है, हमने मान लिया कि हाँ भाई, इसने मान लिया कुछ सेक्शन के लिए आपका एरिया सेम चल रहा है, तो हमने क्या मान लिया जेट डायमीटर 22.5। तो जब मैं वेना कॉन्ट्रैक्टा की बात करूंगा, अब देखो जो जेट निकलता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकलता है, ऐसा तो है नहीं ट्रायंगुलर फॉर्म में निकलता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकलेगा या सर्कुलर फॉर्म में निकलेगा आपका। ठीक है, तो हम इसका एरिया क्या ले लेंगे, पाई बाय 4 इनटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा में हम जेट की डायमीटर यूज कर लेते हैं, एरिया क्या होता है सर्कुलर सेक्शन का, पाई बाय 4 इनटू डी स्क्वायर, तो पाई बाय 4। और वेना कॉन्ट्रैक्टा की बात हो रही है तो ऑब्वियसली आप जेट यूज करोगे, तो 22.5 इनटू 22.5 का स्क्वायर, यह आपका आ गया एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। अब बात आती है एरिया ऑफ ऑरिफिस की, हम यहां को ऑरिफिस से किससे कंपेयर कर रहे हैं, नोजल से, नोजल की डायमीटर कितनी देखिए 25 mm, तो पाई बाय 4 इनटू 25 का होल स्क्वायर। हमने कुछ नहीं करा, नोजल को ऑरिफिस से कंपेयर कर लिया और यहां पर जो जेट होता है उसको इस जेट से कंपेयर कर लिया। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में आप एकदम से कंफ्यूज हो जाओगे कि यार हमने तो ऑरिफिस के लिए पढ़ा था सब कुछ, ये कहां से रोल में आ गया। ठीक है, यार कॉन्ट्रैक्शन का जो फ्लूइड होता है उसे कॉन्ट्रेक्शन तो हाजिर ही होगा, ऐसा थोड़ी कि भाई ऑरिफिस होगा तो उसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है आपका। ठीक है, क्या आपने वीयर में नहीं पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, सब में पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो कोफिशिएंट कॉन्ट्रेक्शन की बात करें, पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कट गया, और फाइनली मेरे पास कैलकुलेटर से मैं सॉल्व कर लेता हूं, 22.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू
506.25 और अपॉन में 25 का स्क्वायर 625 है ना, अपॉन 625 और ये आपका ध्यान से देखोगे तो 506.25 डिवाइडेड बाय 625 ये आपका आ रहा है 0.81। भैया सिंपल सी बात है कि जो भी आपका ये नोजल है ठीक है, आप इसने आपसे क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जिसमें सबसे पहला कोफिशिएंट जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो हम फाइंड कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.81 ठीक है। और वहीं पे मैं आपसे पूछूंगा कितना होता है, क्या कितना है ऑरिफिस का, अब देखो पढ़ रहे हो ना, फटाफट मुझे बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर ऑरिफिस कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है, ये सारा आपको याद रखना है, भूल रहे हो बार-बार। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होता है 0.98, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है 0.64 से 0.65 एंड कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 0.98, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपका 0.64 से 0.65 एंड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी लास्ट वाला बचा ना, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 0.62 से 0.63 ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपने तो मुझको भी कंफ्यूज कर दिया इसने, देखो ये जो टिपिकल है ना कि आप बोल सकते हो इसको, सबसे पहला 0.98 कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपका 0.64 से 0.65 और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आपका 0.62 से 0.63, ये तीनों वैल्यूज याद रखना, जब तक मैं इसको लिखता नहीं हूं तब तक ये मेरे को देखो अभी हो सकता है बोलने में मैंने कंफ्यूजन कर दिया, बट इस तरीके से आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपके पास आ जाते हैं ठीक है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने किस ऊपर नीचे बोल दिया, शायद डिस्चार्ज मैंने शायद ज्यादा कम बोल दिया, तो ये सारी एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास ठीक है, इसको लिख देना आप। अब देखो ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मेरे पास आ चुका है ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसका अगला कोफिशिएंट फाइंड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, क्योंकि तीनों में से अगर दो भी आ गए, अगर तीनों में से तीनों फाइंड करना, तीन में से आपके पास दो भी आ गए तो ये मान के चलो कि आप तीसरा फाइंड कर लोगे, क्यों, क्योंकि इन तीनों का एक इंटर रिलेशनशिप होता है जो कि आपको अच्छी तरीके से पता है, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि जब आप जॉब देने जाते हो तो अपना सीवी लेके जाते हो, इसलिए सीडी इज इक्वल्स टू सीसी मल्टीप्लाई बाय सीवी, और ये आपका इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है, जी जैसे एग्जाम्स में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ठीक है। ठीक है, अब क्या है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो आपने फाइंड कर लिया है, अब हम फाइंड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जैसा कि मैंने आपको बताया क्यों फाइंड करोगे आप, भैया कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली यार डिस्चार्ज की वैल्यू उसने गिवन देके रखी है, इसने क्या देके रखा है भैया डिस्चार्ज कितना है, इसने देके रखा है भैया जो आपका नोजल से डिस्चार्ज है वो 0.76 मीटर क्यूब पर मिनट है ठीक है, वो कन्वर्ट कर लेंगे अभी जो भी होगा, क्योंकि पर मिनट में नहीं होता डिस्चार्ज, हम हमेशा पर सेकंड रेट जो हम लेते हैं मास फ्लो रेट की या वॉल्यूम फ्लो रेट की वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो टाइम हमेशा हम सेकंड में लेते हैं ठीक है। अब ध्यान से देखना कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की बात करूं तो क्या होता है वो आपका एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन में थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, अगर मैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की आपसे बात करूं, अगर मैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की बात करूं तो ऑरिफिस का थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या होता था, तो आप साथ समझोगे सर ऑरिफिस का देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे बात करूं कि ऑरिफिस का थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या होता था तो आप बोलोगे सर ऑरिफिस का जब आप थ्योरेटिकल डिस्चार्ज फाइंड करते थे तो आप एरिया, और ये एरिया किसका होता था सर, ये एरिया हमेशा ऑरिफिस का होता था सर, किसका होता था ऑरिफिस का होता था, क्या आप एरिया ऑफ जेट एट वेन कॉन्ट्रैक्टर लेते थे, नहीं सर ये नहीं लेते थे, वो तो जब मैं एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड करता हूं सर तब मैं लेता था, बट जब थ्योरेटिकल की बात होती है और जब आपने हमको ऑरिफिस पढ़ाया है तो जब हमने थ्योरेटिकल डिस्चार्ज फाइंड कराया ना तो सर उसमें हमेशा हमने ऑरिफिस का एरिया लिया है ना कि जेट का लिया है, तो मैं क्या बहुत बढ़िया, ऑरिफिस को किससे कंपेयर कर रहे हो सर नोजल से कर रहे हैं ठीक है, अंडर रूट ऑफ एरिया डिस्चार्ज का एरिया इनटू वेलोसिटी 2gh, तो सबसे पहले अगर मैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज की बात करूं तो ये एरिया आप कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम में, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन में आप एरिया में कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका एरिया ले सर नोजल का ले या जेट का, तो बोलूंगा कुछ मत सोचो जो हमने ऑरिफिस पढ़ा है उस पर चल जाओ, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज में हमेशा मैंने एरिया कौन सा लिया है दिस ऑरिफिस एरिया, मैंने हमेशा ये वाला एरिया लिया है, और ऑरिफिस को मैं यहां पे किससे कंपेयर कर रहा हूं नोजल से, तो अब आपको पता लग चुका होगा कि यहां पर आप एरिया किसका लिखोगे सर मैं एरिया यहां पर नोजल का लिखूंगा, बिल्कुल सही बात है, और एरिया का नोजल क्या है, एरिया ऑफ नोजल क्या है पाई बाय 4
डायमीटर कितनी है नोजल के? 25 mm, 25 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2gh। ये आपको पता ही है, मैंने बहुत बार बता दिया 2gh कैसे आता है ये आपका, तो 2 × 9.8 और हेड ऑफ वाटर कितना रहेगा आपका आपको 60 meter × 60। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है ये 60 × 9.8 × 2 = इसका अंडर रूट 34.29 × 625, ठीक है, × 3.14 / 4 16824.93, ठीक है। नहीं 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 रुको, जी किसमें है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमने गलती से यहां पर एरिया किसमें रख दिया है? हमने एरिया रख दिया है एमएम में आपका, आप समझ रहे हो ना, हमने यहां पर एरिया किसमें रख दिया? एमएम में। जबकि अगर ये अंदर वाला आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है तो आपकी डायमीटर भी किसमें आएगी? आपकी डायमीटर भी आपकी मीटर में आएगी। अगर मान लो डायमीटर आपकी देखे रखी है 25 mm, और अगर मैं इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा वो तो अभी मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, जितने भी जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा लगे हम सब डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखो हड़बड़ी में मैंने आप इसको एमएम में रख दिया और अंदर वाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। आप एक फॉर्मूला में सारी यूनिट्स हमेशा सेम रखते हो, कोई मीटर में है तो सब कुछ मीटर में रखोगे, कोई एमएम में है तो सब कुछ हम एमएम में रखेंगे। दूसरी बात, ये इसको भी हमने मीटर में रखा हुआ है, इसको भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखा हुआ है, तो इसको एमएम में कैसे रखते हैं? इसको भी हम मीटर में रखेंगे, अभी हम डिवाइड कर देंगे। देखो 25 mm को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? 25 / 1000, 0.025 meters। ये मेरा मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया भाई, एक मीटर में 1000 mm होता है, तो mm को अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 25 को मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा 0.025। अब करो इसका, दैट मींस कितने जीरो एक्स्ट्रा लग रहे हैं मैं बता रहा हूं, 0.025 × 10⁻⁴ × 10⁻⁴, 6.25 है ना, 6.25, मैंने 625 रख दिया यार, इसको ढंग से कर ही लेते हैं फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम रख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 0.025 का होल स्क्वायर, तो कंफ्यूजन नहीं है, उसको ढंग से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आपस से, 60 × 9.8 × 2, ठीक है, इसका अंडर रूट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3.14, ठीक है, डिवाइड बाय 4, ठीक है, 0.01682 मीटर क्यूब पर सेकंड। जो आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आ चुका है, मैं इधर दूंगा इसको, जो आपका थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आ चुका है वो आ रहा है आपका 0.01682 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, हो गया। अब ये तो आपने लिख लिया होगा, किसी काम का नहीं है, ये मैं मिटा देता हूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना, आप क्या फाइंड करते हैं? सर हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की बात करूं तो ये आपका नीचे वाला थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है और एक डिस्चार्ज इसकी देके रखा हुआ है। ऑब्वियसली आप ध्यान से देखो, ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है और इसने आपको ये एक्चुअल डिस्चार्ज देके रखा हुआ है कि भाई जो एक्चुअली डिस्चार्ज हो रहा है ना पानी, जो जेट निकल रहा है वो कितना देके रखा है? 0.76 मीटर क्यूब पर सेकंड। इसको मैं लिख देता हूं सीसी को, यहां पर सीसी इक्वल्स टू 0.8, मैं इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, अब सब मिटा रहा हूं। अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, इजी क्वेश्चन है, और ये मान चलो ये हमारे क्वेश्चंस का सबसे इजी क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं आज, ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। यही तो दिक्कत होती है फ्लूइड मैकेनिक्स में, हम लोग ऊपर से पढ़ पढ़ के निकाल देते हैं। मैं चाहता था इसको मैं भी सबको गायब करके आगे वाले टॉपिक पर जाता, मुझे भी तो चल दी है कि मेरी नेक्स्ट यूनिट आया, बट नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है और नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम में ऐसा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको हर एग्जाम में हेल्प कर सकता है। आप ध्यान से देना, जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है उसमें हर जगह पानी पानी है, एनवायरमेंटल, इरिगेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। अब इरिगेशन समझ लो, इरिगेशन सब्जेक्ट क्या होता है? इरिगेशन है आपका साइलेंट किलर। क्या होता है साइलेंट किलर? साइलेंट किलर का मतलब क्या है? चुपचाप आएगा, आपको परेशान करेगा, चुपचाप निकल जाएगा, फिर आप एग्जाम देके घर पर आओगे, फिर बोलोगे यार ये पेपर में इरिगेशन आया था क्या? तो आपको स्ट्राइक नहीं करता उस टाइम, आपको लगता है कि इरिगेशन के 2-3 क्वेश्चन ही आए होंगे। फिर आप जब आराम से पेपर
निकलता है और सारे क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं। यार इरिगेशन के तो 7-8 क्वेश्चन आ गए, 6-7 क्वेश्चन आ गए, इसलिए मैं इरिगेशन को हमेशा साइलेंट किलर बोलता हूँ। लोग उसको इंपॉर्टेंस देते नहीं है, सोचते कि यार इरिगेशन इजी है, अरे कर लेंगे, क्या करना है, इरिगेशन से कुछ भी नहीं आता। इरिगेशन चुपचाप से 6-7 मार्क्स का आएगा, आपको परेशान करेगा, चुपचाप निकल जाएगा और आप बस ये सोचते रह जाओगे यार 100 क्वेश्चन में से जब सब कुछ मुझे आता था तो फिर मेरे मार्क्स कैसे नहीं आए। क्योंकि इरिगेशन, इसलिए मैं इरिगेशन को साइलेंट क्लियर बोलता हूँ, चुपचाप परेशान करके आपको वो निकल जाएगा। इरिगेशन इंजीनियरिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो मैं शायद इरिगेशन इंजीनियरिंग को मोर इंपॉर्टेंट बोलूंगा इन कंपैरिजन टू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। हमें लगता है यार एनवायरमेंटल एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा उसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स भी है उसमें, बीओडी सीओडी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा उसमें, ठीक है, बहुत न्यूमेरिकल्स उसके अंदर भी, पॉपुलेशन भी आप कैलकुलेट करते हो जो भी है, ठीक है, तो उसमें भी न्यूमेरिकल्स है। तो ये सब्जेक्ट्स डेंजरस होते हैं। पानी कैसे, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, इरिगेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये चारों सब्जेक्ट ना जिसकी हमको हल्की लाइट नॉलेज होती है, हम लाइट नॉलेज में क्या करते हैं, हल्की नॉलेज होती है, जो हम सोचते हैं यार आता तो है हमको, अरे हमको तो पता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कैसे फाइंड होता है। मैं बिल्कुल बोलता हूँ आपको इन तीनों के फॉर्मूलास पता होंगे, बट इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओ। मैं आपको फिर आज बोलता हूँ कि सब्जेक्ट को खत्म करने में तो बहुत आराम से खत्म कर सकता हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट आपको हर जगह, आप जे का एग्जाम दो, ए का एग्जाम दो, ईएस का एग्जाम दो, ये आपको हर जगह हेल्प करेगा, गेट में भी आपको हेल्प करेगा। आप गेट के क्वेश्चन उठा के देखो, गेट क्यों नहीं बोलता हूं मैं कि ये गेट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट तब मैं आपको बोलूंगा जिस दिन मैं गेट के ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो किसी भी बुक्स में नहीं होंगे, क्योंकि आपने देखो गेट क्वेश्चन बहुत डिफरेंट होते हैं। गेट में ऐसा नहीं बोलता मैं कि 100-100% डिफरेंट होते हैं, 10-20% आपकी बुक्स में से आता है, फिर डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। वो सारी जो बुक्स होती है फॉरेन राइटर्स की, उससे इंस्पायर होते हैं क्वेश्चन। तो जब मैं आपको वो सारे क्वेश्चन कराऊँ, ये जितनी भी थ्योरी है, देखो बहुत लोगों को डाउट होगा कि सर क्या हम आप इस चीज से गेट की तैयारी कर सकते हैं, तो बोलूंगा भैया गेट में भी सिलेबस यही है, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, वियर नॉच जितना भी है, ओरिफिस हो गया, पार्शली समझ्ड हो गया, फुली समझ्ड हो गया, यही आपका गेट का सिलेबस है। डिफरेंस क्या, मैं क्यों नहीं बोलता गेट का, क्योंकि जब तक मैं आपको गेट के बेकार बेकार क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, गेट क्वेश्चन सामने, ये तो बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है, ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं मानता मैं इस क्वेश्चन को। गेट के क्वेश्चंस इतने डिफरेंट होते हैं कि ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मैं जे का क्वेश्चन बोलता हूँ, गेट का क्वेश्चन नहीं है। अब गेट में क्या, जो लोग ये डाउटफुल है कि सर ये गेट के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, आपको हम जो भी पढ़ा रहे हैं, वीयर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, नॉच का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, ऑरिफिस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, माउथपीस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इन्हीं कॉन्सेप्ट से गेट पर, मतलब गेट का सिलेबस नहीं छूट रहा है आपका, इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपका गेट का पेपर आएगा। डिफरेंस क्या है कि हम गेट क्यों नहीं बोलते, क्योंकि गेट के क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट आते हैं, वो देख के कंफ्यूज हो जाओगे आपकी, यार कॉन्सेप्ट सब यही लग रहे हैं, यही कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, वेलोसिटी लगेगा, डिस्चार्ज लगेगा। डिफरेंस क्या है, जब तक हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराएंगे ना, जब तक मैं आपको बेकार बेकार क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा देता, तब तक मैं गेट नहीं बोलूंगा, और इस सेशन में गेट नहीं, ठीक है, वो अगले सेशन में, ठीक है, आगे चालू करते हैं इसको। तो हमारे पास एक थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आ गया, वो कितना गया, 0.16। यार मैं देखता हूं रिकॉर्डिंग हो गई कि नहीं हो रही, पता लगा इतना ज्ञान दे दिया और रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, ठीक है। अब देखो 0.0682 मीटर क्यूब पर सेकंड, और ये हमारा थ्योरेटिकल आया, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग कि ये जो क्वेश्चन में से डिस्चार्ज दिया है ना, ये थ्योरेटिकल है या एक्चुअल है। मैं आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, आप कभी क्वेश्चन पढ़ के देखना, अगर मैं यहाँ छुप जाऊँ ना, और जब आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज होगे, यार कौन सा डिस्चार्ज, इसने दे के रखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका एक्चुअल डिस्चार्ज है। अब इसने किससे फाइंड करा वो हमें नहीं पता, बट ये एक्चुअल डिस्चार्ज है। तो अगर मैं बात करूं एक्चुअल डिस्चार्ज की, तो एक्चुअल डिस्चार्ज आपका देखिए 0.76 मीटर क्यूब पर मिनट, और यहां पर अगर ध्यान से देखो तो हमने डिस्चार्ज किसने फाइंड करा है, मीटर क्यूब पर सेकंड में, तो इसको भी मीटर क्यूब पर सेकंड में कर लेते हैं, 0.76 मीटर क्यूब। एक मिनट में कितना सेकंड्स होते हैं सर जी, 60 सेकंड्स होते हैं, तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, 0.76 डिवाइडेड बाय 60 0.01267 मीटर क्यूब पर सेकंड, और ये रहा आपका एक्चुअल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज कितना देकर रखा है, 0.01267 मीटर क्यूब पर सेकंड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कितना है आपका 0.01682। तो यहां से हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या बन जाएगा, कर लेते हैं 0.01267
divided by 0.016882 is equals to 0.75. ये मेरा आ रहा है 0.753. तो देखो आपका जो अगला कोफिशियंट ऑफ, हमारे दो कोफिशियंट आ चुके हैं, एक तो हमारा क्या आ गया था कोफिशियंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 0.8 वाला है ना, और वहीं पर हमारा सेकंड कोफिशियंट डिस्चार्ज कितना आ चुका है 0.01682. ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, दो कोफिशियंट आ चुके हैं और हमें तीसरा कोफिशियंट का इंटर रिलेशनशिप इसका पता है, तो इसको आपने लिख लिया होगा. ठीक है, चलो मैं इधर फाइंड करता हूं, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी. और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर हमें को फाइंड करना है तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी. कोफिशिएंट क्या फ्रेंड, अभी हमने हमें वेलोसिटी फाइंड करना है ना, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हम फाइंड कर चुके हैं अपॉन सीसी. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना है आपका 0.01682 और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना आपका 0.81. तो फाइनली आपका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मेरे पास कितना आ रहा है 0.01682 डिवाइडेड बाय 0.81 है ना. कुछ रबड़ तो नहीं हो रही ना कोफिशिएंट सॉरी यार, ये थोड़ी आ रहा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये तो आपका मैंने ये वैल्यू लिख दी. कोफिशिएंट डिस्चार्ज कितना आया हमारा 0.753. सॉरी. ठीक है, दिमाग इधर उधर चल रहा है. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारा 0.81 आया था और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मेरे पास, इसको मैं व्यू करके कर लूंगा, ये थोड़ा मिक्स हो गया इसलिए मैं सब कुछ मिटा देता हूँ.